हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीमक्स में। आज हम फोर्थ जो है इसका ट्यूटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज डीमक्स, क्या है, और 1:1 जो है वो डीमक्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, PSBTE डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको मई 2009 में ये पेपर में आया था क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं। डीमक्स मैंने बता दिया था आपको। डीमक्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक ही 1:2 का मतलब यही है, इसकी एक ही इनपुट होती है और आउटपुट मैनी होती है। ठीक है, जैसे 1:8 है, तो 1:8 का मतलब ये है कि 1 इनपुट है और 8 जो है हमारी आउटपुट है। इसको हम डीमक्स भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, मल्टीप्लेक्सर से ऑपोजिट है और मल्टीप्लेक्सर में ज्यादा इनपुट थी। और इसका काम है सीरियल डाटा को, ये सीरियल डाटा है, और पैरेलल डाटा में, अलग अलग पैरेलल डाटा में कन्वर्ट कर देना। मीन्स एक लाइन को अलग अलग लाइनों में डिवाइड कर देना। डी मल्टीप्लेक्सर हम कहाँ साइड में यूज करते हैं, हम रिसीवर साइड में यूज करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ बताया हुआ है, वहां से आप जरूर देख लीजिए। तो अब आता है हमारा जो है इसको डिजाइन करना। तो सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। 1:8 का जो मैंने बनाया अभी, 1:8 का जो वो है, यहाँ पे इनपुट एक है, यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, इनपुट, और ये क्या हमारी शो कर रही है, आउटपुट। तो आउटपुट हमारी कितनी है, हमारी डी नोट से लेकर D7 तक हमारी आउटपुट ही है। तो ये हमारी सभी क्या है, ये हमारी आउटपुट है। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगी, सिलेक्ट लाइन्स। तो ये कितनी सिलेक्ट लाइन्स आएंगी, यहाँ पर मैंने 3 ली है। तो ये कैसे पता चला कि ये 3 ही आएगी, क्योंकि 2 की पावर s यहाँ पर इसका आंसर होता है आउटपुट के इक्वल। और 2 की पावर s इज इक्वल टू आउटपुट कितनी है हमारी, 8। तो 2 की पावर s इज इक्वल टू 8 है, वो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब यही होता है 2 को 3 बार लिखना। तो ये 8 ही बनेगा, 4 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 2 से 2 कट जाएगा, एस की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो कितनी स्लैक लाइनें थी, 3। तो वहां पे मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में यही डिफरेंस है, यहाँ पर हम वहां इनपुट ले रहे थे, यहाँ पर हमारी आउटपुट है, और फंक्शन इसका टोटली ऑपोजिट है। और आगे आता है इसका ट्रुथ टेबल। तो इसके स्लैक लाइनें हमने कितनी रख दी, 3 जो है वो स्लैक लाइनें हमने बना दी है। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रुथ टेबल। 1:8 का जो डीमक्स है उसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो मैंने बताया था यहाँ पर 0001 लिखना है। तो मैंने इसका एक डायरेक्ट मेथड आपको बताया था कि जब भी आपके पास 3 इनपुट्स होगी और आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो आपको स्मार्ट वे और फास्ट ट्रिक कौन सी है, वो मैंने बताया था, अभी फिर से बताने जा रहा हूँ। तो बार बार कोड लगाने की बजाय आप लिख दो 4 बार 0 लिख दो, ठीक है, और 4 बार 1 लिख दो, ऐसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनने हैं। ऐसे फिर 2 बार आप 0 लिख दो, 2 बार 1 लिख दो, 2 बार 0 लिख दो, 2 बार 1 लिख दो, ऐसे ही आप 1 बार 0 1 बार 1, 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 बस ये चीज आपने लिख देनी है। और अब आता है कि अगर आप सिलेक्ट लाइन 0 0 0 ये 000 मीन सिलेक्ट करोगे, तो कौन सा डाटा आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये वाला डाटा ही आना चाहिए, इसको हम 1 भी बोल सकते हैं, इसको हम डी भी बोल सकते हैं, कि यही डाटा आना चाहिए। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा अगर अगर नेक्स्ट वाला है, मैं चाहता हूँ D1 का आना चाहिए, बाकियों का नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आप डी लिख सकते हो, मीन्स डाटा ये वाला आना चाहिए। अगर 1 लिखना है 1 लिख दो, 0 लिखना है मतलब 1 लिखना है 1 लिख दो, डी लिखना है डी लिख दो, यहाँ पर भी हमारा डी आना चाहिए, यहाँ पर भी, ठीक है। जब ये बोर्ड आएगा ये चलना चाहिए, जब ये आएगा ये चलना चाहिए, ये आएगा ये चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, जब हमारा D6 आएगा, बाकी सब 0 होने चाहिए, अब लास्ट में हमारा D7 चलना चाहिए। तो ये एक लाइन ऐसे बन जाएगी, बाकी सब आपने जल्दी जल्दी से इसको 0 जो है वो फिल कर देना है, बस इतना काम आपने करना है, और आपका ये जो ट्रुथ टेबल है वो आपका बन गया है। कितना इजी वे से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है कि आप इजी वे से कर सकते हो। इसका 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर डाटा कुछ नहीं आएगा, उस टाइम वो ऑफ होगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है,
तो ये सभी मैं यहाँ पर जीरो फिल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जीरो फिल ही कर रहा हूँ सभी पे, तो यहाँ पर ये सभी जीरो जो है वो फिल हो गई है। तो यहाँ पर हमने इतना तो काम कर लिया है। आगे आता है हमारा जो 1:8 डी मक्स है वो किसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो मैंने 8 कॉम्बिनेशन नहीं बनाए, 8 गेट लगने थे, डी नॉट से लेकर D7 तक लगने थे। मैंने दो चार गेट बना लिए, ठीक है। तो आपने भी 4 से 5 बना लेने हैं, जरूरी नहीं है कि 8 के 8 ही आप पेपर में बना के आओ। तो उसकी एक ट्रिक क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डी नॉट लिखा, ठीक है, डी नॉट लिखा, D1 लिखा, ये मैंने लिखा हुआ है, और साथ में ये वाली ये जो डॉटेड है ये बताती है कि आप लास्ट वाली अब लिख रहे हो। तो आप पेपर में ऐसे लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली आप D0, D1 और D2 का ये लिख दो, बाद में थोड़े से स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब आता है कि अगर हमारी जब S2, S1 और S0 अगर ये तीनों ही जीरो होगी तब हमारा D आना चाहिए, D0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया इस पे, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी क्या किया, जीरो दिया, यहाँ से भी जीरो दिया, यहाँ से भी जीरो दिया, यहाँ से भी देखिए जीरो आ रहा है, यहाँ से भी जीरो आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। बट एक चीज हमने यहाँ पर गलती की है, क्या किया है हमने यहाँ पर, यहाँ जो डाटा आएगा वो कहाँ है, डाटा तो हमने रखा ही नहीं है। तो यहाँ पर एक और स्लाइड बननी है जहाँ पर हमने डाटा रखना है, जिसको हम डी इन बोलते हैं, ठीक है, डाटा इनपुट। तो ये डाटा सभी के पास जाएगा, इसी में तो सब कुछ है, इसी में से हमने निकालना है डी नॉट। तो यहाँ से इससे कनेक्ट करेंगे, इससे ये कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे इससे कनेक्ट करेंगे, इससे ये कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ये वाला नीचे वाला कनेक्ट करेंगे, इससे ये कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इससे हम करना चाहते हैं तो इससे, यहाँ से ये ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से हमने डाटा इनपुट हमने दे दिया है, सिलेक्शन लाइन हमने जो है 0 0 0 दी तो हमारा डी नॉट आ जाएगा। आगे हमने फिर से जीरो दी, फिर जीरो दी और आगे 1 दी, ठीक है, तो ये वाला 1 आ गया, तो यहाँ पर D1 आ गया। ऐसे D6 का आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो वही हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर ली। लास्ट पे जो है 1 यहाँ पे होगा, 1 ही यहाँ पे था, 1 ही यहाँ पे था, इसलिए मैंने इसको 1 1 पे सिलेक्ट करके यहाँ से D7 सिलेक्ट कर लिया है। तो ट्रुथ टेबल यहाँ पर मैंने 1 1 1 1 पे हमारा D7 आना चाहिए था, वही हमने कनेक्ट किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। और इसके जो ट्यूटोरियल है psbeautypaper.com और jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट।